यहाँ पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, भीड़ बेकाबू हो गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं ताकि जो गाड़ियाँ हैं, जो काफिला है वो आ सके। ये यात्रा निकली थी उस वक्त पर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि हाँ राहुल गांधी को इस तरह का समर्थन मिलेगा। और आपने देखा भी होगा कि हाँ सरकार और बाकी अपोजिशन के जितने भी लोग थे वो लगातार इस चीज़ को लेकर हमला बोलते रहते थे राहुल गांधी पर कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये महिलाएं, ये बच्चियां, ये भीड़, ये बुजुर्ग, इधर देखे युवा, ये सब इस बात के गवाह है कि हाँ राहुल गांधी अब उभरने लगे हैं। ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं आप लोग? अच्छा, राहुल गांधी से मिलने? इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? दो तीन घंटे से कर रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? अच्छा लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप बताइए क्यों मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से? वोट लगाने के लिए। हमारे कांग्रेस पार्टी होना है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सड़कों पर भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का कदम बढ़ने लगा है। यहां पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, भीड़ बेकाबू हो गई है। यहां पर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं ताकि जो गाड़ियाँ हैं, जो काफिला है वो आ सके। लोग इतनी बड़ी संख्या में राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं कि हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये जो नज़ारा है देखिए कितना खूबसूरत है। राहुल गांधी जब इस रास्ते से होकर गुजरेंगे और ऐसी प्रेम ऐसा देखेंगे अपने लिए तो वो भी फूले नहीं समाएंगे, वो भी गदगद हो जाएंगे। ये जरूरी है कि हाँ इस तरीके का समर्थन मिले, क्योंकि जब ये यात्रा निकली थी उस वक्त पर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि हाँ राहुल गांधी को इस तरह का समर्थन मिलेगा। और आपने देखा भी होगा कि हाँ सरकार और बाकी अपोजिशन के जितने भी लोग थे वो लगातार इस चीज़ को लेकर हमला बोलते रहते थे राहुल गांधी पर कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये महिलाएं, ये बच्चियां, ये भीड़, ये बुजुर्ग, इधर देखे युवा, ये सब इस बात के गवाह है कि हाँ राहुल गांधी अब उभरने लगे हैं। राहुल गांधी की जो छवि है वो निकल कर सामने आने लगी है। दोस्तों एक बात तो तय है कि एक दिन की रैली हो तो उसमें ये कहा जाए कि हाँ लोगों को फोर्स करके बुलाया जा सकता है या भीड़ दिखाई जा सकती है, लेकिन जब रोज़ाना वही प्रक्रिया होनी है तो ये संभव नहीं है कि हाँ किसी को बुलाया जा सके। क्योंकि ये यात्रा अभी आप बात करें तो आज 59वें दिन में प्रवेश कर गई है और एक दिन बाद ये 60 हो जाएगा। तो 59 दिन में आप सोचिए कि भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। लोगों का जो प्यार है राहुल गांधी के प्रति वो लगातार बरकरार है। इधर देखिए ट्रैक्टर ट्राली, एक ट्रैक्टर जो जेसीबी टाइप का है आगे, यहाँ पर देखिए। अच्छा, हिंदी आती किसी को? ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं आप लोग? अच्छा, राहुल गांधी से मिलने? इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? कर रहे हैं, सुबह से दो तीन घंटे से कर रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? अच्छा लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप बताइए क्यों मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से? वोट लगाने के लिए। हमारे कांग्रेस पार्टी होना है। कांग्रेस पार्टी के वोट डालते कभी भी, ऐसा सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी से भी अच्छा कर रहा ना। अभी करे से भी पूरा को क्या भी नहीं करे, जब से 50 साल से उन्होंने करे। मित्र देख रहे हैं आप कांग्रेस को लेकर यहाँ पर जो लोगों का प्यार है वो कैसा है। जो हम जहाँ चल रहे हैं अभी वहाँ भी आप देखेंगे तो जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। बात करें दोस्तों अगर राहुल गांधी की, तो इस रैली के बाद से ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ जो ये दर्शक हैं जो राहुल गांधी के प्रेम में यहाँ तक आए हैं ये वोटर में तब्दील हो पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों के दिलों में जो जगह है वो अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी से लोगों को और अधिक प्रेम होता जा रहा है। जिस रास्ते से, जिस ज़िले से राहुल गांधी निकलते हैं, सोचिए कि वहाँ पर कितने सारे लोग आ जाते हैं। अभी आगे भी देखेंगे तो तमाम लोग हैं और वो एकदम से, जैसा कहते नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, इतना एक्साइटमेंट तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं देखा है। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो जो बीजेपी है वो भी अब चिंता में पड़ रही है, क्योंकि शुरुआत में तो इस यात्रा को हल्के में लिया जा रहा था। इधर देखिए जरा तस्वीर एक बार, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। देखिए लोग एकदम शोर शराबा कर रहे हैं। देखिए छोड़ो,
तो देखा दोस्तों आपने, ये उत्साह जो है सुबह से ही बरकरार रहता है। ये अभी उत्साह जो इन लोगों में है ये 15 किलोमीटर चलने के बाद का है। अभी यात्रा जो है लगभग 8 किलोमीटर और चलनी है 8-10 किलोमीटर, क्योंकि एक दिन में अमूमन 20 से 25 किलोमीटर तक यात्रा तय की जाती है। अभी जिसका 15 किलोमीटर हो चुका है और लगभग 10 किलोमीटर यात्रा और आगे तक जाएगी। और ये लोग जो रोज़ाना इतना नहीं चलते हैं, जो रोज़ाना चल रहे हैं 25 किलोमीटर, उनका तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ आदत पड़ जाती है। लेकिन जो लोग रोज़ाना नहीं चल रहे हैं, सिर्फ 2-4 दिन या 1 दिन चल रहे हैं, सोचिए कि वो भी नहीं थक रहे हैं। आखिर वो क्या एनर्जी आ जाती है उनके अंदर यहाँ यात्रा में शामिल होते ही, कि वो लगातार चलते रहते हैं। कोई भी बाधा हो, कोई भी कुछ भी हो, वो कोई भी चीज़ें हो, सब कुछ चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, जब सुरक्षाकर्मी बगल से इन सबको हटा देते हैं और उसमें से तमाम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो ऊंचाई पर होता है वो बखूबी अच्छे से राहुल गांधी को देख पाता है। तो हम जहां तक जाएंगे ये भीड़ उसी तरीके से आगे देखेंगे। आप आगे किधर भी नज़र दौड़ा लीजिए, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे। इन लोगों की आंखों में अगर आप देखेंगे तो एक तरह की आपको आस्था दिखाई देगी, विश्वास दिखाई देगा, राहुल गांधी के प्रति प्यार दिखाई देगा। राहुल गांधी को यहाँ लोग जैसे रजनीकांत को लोग पूछते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को भी लोग मानने लगे हैं, पूजने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके देव हों, आराध्य हों, इस तरीके देव तुल्य कह सकते हैं कि अपने देव के समान उन्हें मानने लगे हैं। इस तरीके की या तो यहाँ पर जो अभिनेता होते थे उन्हीं को लेकर प्यार देखने को मिलता था, और या तो फिर अब राहुल गांधी को लेकर उस तरीके का प्रेम देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कि हाँ हम कुछ छुपा सकते हैं। जो तस्वीरें हैं, जो कैमरा है, वो झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हम आपको कुछ ऐसा वैसा दिखाएं या हम कुछ अलग बताएं आपको। जो हकीकत है वही हम आपको दिखा रहे हैं। द लाइव टीवी हमेशा से आपको सच दिखाता आया है। ये भीड़ देखिए जरा एक बार, सभी लोग यहाँ पर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगा रहे हैं। ये सब देखिए, तमाम यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी हैं। मतलब हम वीडियो ना बंद करें, अगर वीडियो ना खत्म करें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्तों के दोनों किनारे लोग नजर आएंगे, यहाँ तक कि सभी वर्ग के लोग। तो दोस्तों ये टीले पर देखिए, यहाँ पर मिट्टी है और कुछ ऊंचाई पर ये सड़क है। तो इधर भी देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, एक के बाद एक सब यहाँ देखिए लाइन में एकदम खड़े हुए हैं, कि ताकि वो राहुल गांधी को देख सकें, राहुल गांधी को निहार सकें। राहुल गांधी को देखने के बाद में इन लोगों को जो सुख शांति सुकून मिलता है, वो खुशी इनके चेहरे पर देखने के बाद की जो होती है, चेहरे की स्माइल जो होती है, आप देखेंगे आपको लगेगा जैसे मानो इनको नवरत्न मिल गया हो। उससे बड़ी खुशी ऐसा लगता है इनके लिए कुछ है ही नहीं। इधर आगे तक ये भीड़ है, जहाँ तक आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत आगे तक ऐसे ही, और ये हर जगह होता है, चाहे हम बात करें केरला की, चाहे हम बात करें तमिलनाडु की, जहाँ जहाँ यात्रा गई है, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लें, और अभी तेलंगाना में है, और इसके बाद में यात्रा 2 दिन बाद से महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसा समर्थन यहाँ पे मिला है, इससे ज़्यादा ही महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छी खासी मजबूत है, और इससे पहले अगर बात करें तो उसकी सरकार भी थी, हालांकि अभी सरकार गिर गई है। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ये सब राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी भीड़ संभव नहीं कांग्रेस को लेकर, जो खास करके उत्तर भारत से हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है, और रोज़ रोज़ बिना अगर कोई प्रेम से नहीं आता है, फोर्स करके संभव नहीं कि हाँ किसी को बुलाया जा सके। तो ये चीज़ कोई भी हो, वो मैं यहाँ ग्राउंड पर हूँ और मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि हाँ ये लोग बुलाए जा रहे हैं, कोई इनको इनवाइट कर रहा है, या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इनको सपोर्ट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग देखने के लिए ही आ रहे हैं। जैसे बात करें उत्तर भारत में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दो पार्टियों की जब रैली होती है तो अच्छी खासी भीड़ देखने को कई बार मिलती है। और उस भीड़ में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि हाँ लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग अपने प्रेम में
अपने नेता के प्रेम में ही दौड़े चले आते हैं। तो इधर देखिए लगभग 8-10 मिनट की वीडियो हो गई है और 8-10 मिनट के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही दिखाई दी, लोग ही दिखाई दिए सड़कों के किनारे। अच्छा, हिंदी आती है आप में से किसी को? अच्छा सर बताइए, यहाँ पर आप राहुल गांधी से मिलने आए हैं, आप अपने बारे में बताइए पहले। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा जिला में चल रहा है यात्रा, यात्रा से बहुत अच्छा है, पब्लिक में बहुत अच्छा स्पंदन आ रहा। ज़रूर अपन नेक्स्ट 24 में ज़रूर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, इससे बहुत पब्लिक में बहुत वो जो स्पंदन आ रहा। लेकिन बीजेपी तो कोई ना कोई जुगत लगा के हर जगह है, हर किसी को फेल कर देती, किसी की रणनीति चलने नहीं सकती। बीजेपी का आदत हो गया है, इस सरकार बिल्कुल फेलियर हो गया है। ये सरकार आने के बाद ये 8 साल से पूरा डीजल हों दो, पेट्रोल हों दो, बाकी का गरीब आदमी नहीं जी सक रहा है, ऐसा परिपाल चल रहा है। उस वास से सब लोग मिलके भारत को एक करना बोल के राहुल गांधी निकला है। अभी जरूर अमित शाह को राजनीति में चाणक्य कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो जिधर चाहे उधर सत्ता पलट देते हैं, जो चाहे वो खेल कर देते हैं। अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, पब्लिक को पूरा मालूम हो गया है। जरूर आने का गवर्नमेंट कांग्रेस का है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पर जो लोग हैं तो कांग्रेस को लेकर, जाहिर सी बात है जो यहाँ पर आए हैं कांग्रेस को लेकर ही बात करेंगे कि हाँ कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। बहरहाल ये चुनौती है अभी भी कांग्रेस के लिए कि हाँ वो सत्ता में वापस कर पाए, जिन राज्यों से वो अभी वापसी हो गई है उसकी, दोबारा वो रिटर्न आ सके। लोग वेलकम बैक करने को तैयार हैं लेकिन कांग्रेस की मेहनत कितनी रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक वीडियो देखने के लिए द लाइफ टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।